यानी सियासी नजरिए से कहा जाए, शब्दशा नहीं, कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो उसे अपने पाप याद आने लगते हैं। तो सरकार जब अपनी अंतिम समय की तरफ पहुंच रही है तो उसे अपने पाप याद आ रहे हैं, इसलिए अब गारंटी हो गई है कि यह सरकार हारने वाली है, इसलिए उन्होंने सात गारंटियों की बात शुरू की है। तो मैं क्रमशः आपके समक्ष उन सातों का एक बिंदुवार प्रस्तुतीकरण करूंगा। पहला, उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की गारंटी देंगे। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 58% वैकेंसीज रिक्त हैं। वास्तविकता यह है कि तमाम टीचर्स को बगैर किसी तैयारी के सीधे उन स्कूलों में भेज दिया गया। 125 से अधिक टीचरों ने वापस जाने का आवेदन लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि 3000 नए स्कूल खोलेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 20,000 नए स्कूल खोलेंगे। आप सभी उनसे जाके पूछिए कि 20,000 में कितने स्कूल खोल दिए, शायद वो 2,000 स्कूल भी नहीं दिखा पाएंगे। परंतु जब उन्होंने ये कही तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, हमने तो नई शिक्षा नीति केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो लागू की, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हम प्रेरित करेंगे या उसको हम सपोर्ट करेंगे। अब इन्हें 75 साल के बाद अंग्रेजी शिक्षा याद आ रही है। वो एक कहावत है ना, अंग्रेज कब के चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी, अंग्रेजी के लिए कहा गया था। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है, वो अशोक गहलोत जी का वो आपको सेंटेंस याद है कि अच्छा दिखने और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नहीं हो जाता है, याद है ना? किसके लिए बोला था? अपनी पार्टी के नेता के लिए बोला था ना। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि साहब अंग्रेजी बोलने से आदमी समझदार नहीं हो जाता है। अब आज आप कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, तो आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं या राजस्थान की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं? ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ये कांग्रेस की गारंटी की असली हकीकत है। दूसरा, इन्होंने कहा साहब फ्री लैपटॉप बांटेंगे। अभी तक स्थिति यह है कि पिछले सरकार में इन्होंने कहा था 93,000 छात्रों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। कितनों का हुआ? अभी तक तो हुआ नहीं। 3,000 बेरोजगार छात्रों के लिए इन्होंने, या बेरोजगार युवकों के लिए कहा था भत्ता देंगे, कितनों को मिला? परंतु मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज लैपटॉप की उपयोगिता और सार्थकता बढ़ी है, तो इसलिए बढ़ी है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी रिवोल्यूशन आया पिछले 9 सालों में। आज हम सब जितनी सहजता के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट, इसमें इतना भारी परिवर्तन आया है कि 2013 में औसत ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड थी, आज औसतन 3.9 मेगाबाइट पर सेकंड है। ऑन एन एवरेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में पहुंच गए हैं और पर डाटा की जो स्पीड कॉस्ट है वो लगभग 25 गुनी कम हुई। यानी सार्थकता और वास्तविकता तो हमने करके दिखाई है, आपने जो कहा है वो गारंटी कभी पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। अब कहा है कि आपदा राहत बीमा गारंटी देंगे। तो माननीय, मैं याद दिलाना चाहता हूं आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की पहले ही से व्यवस्था है, और आपने तो तथाकथित रूप से 25 लाख की व्यवस्था कर रखी, जो आज तक आप बता नहीं पाए 25 लाख किसमें दी। और मजे की बात यह कि आपदा बीमा गारंटी में आपदा को परिभाषित ही नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि यह सरकार ही अपने आप में राजस्थान की जनता के लिए एक आपदा बन गई है, और इस आपदा से मुक्त की गारंटी सिर्फ गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार की विदाई है। अब इन्होंने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना, तो माननीय महिलाओं के लिए किस प्रकार के कार्य हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या संशय नहीं है। आपने तो जो कहा है वो अभी तक कभी डिलीवर नहीं किया है।
इन्होंने कहा कि 500 रुपए पर गैस सिलेंडर देंगे। अरे तो उज्ज्वला योजना तो मोदी जी ने 2014-15 में लागू कर दी थी, उसी को आप बदल कर घुमा कर देने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी उसकी हकीकत है। अब आइए साहब, एक गारंटी कहते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही और उसके बाद से 10 साल पूरे होने को आ गए राजस्थान में रहते हुए, तो ये इतने दिन में याद क्यों नहीं आया? तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये फिर इस बात को दिखा रहा है कि आपके मन में इन चीजों को लेकर कोई ईमानदारी नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में जहां आपकी सरकारों ने यह प्रयास किया, वहां सत्ता में आने के बाद उनके सुर बदल गए। इससे बहुत साफ है कि आप लंबे समय सत्ता यह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। नंबर 1, पेपर लीक की गारंटी। वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, पर कभी अगर ये आ जाते तो क्या होता, पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी, PFI की रैली कोटा में याद है आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी। और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, परंतु राजस्थान की विवेकशील जनता जिसका हिंदी में नाम भी 10 में से 9 कांग्रेस के नेता सहज रूप से नहीं ले पाते हैं, जिसमें आखिर में IA है, इंक्लूसिव अलायंस है, अब लगता वो एक्सप्लोजिव अलायंस हो गया है, क्योंकि कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा है, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा है। आपको ऐसा सुंदर अद्भुत समन्वय किसी गठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा कि इतने सुंदर सुंदर विभूषणों से एक दूसरे को विभूषित करते